नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिरकार बिहार को दूसरा एम्स मिल ही गया दरभंगा में। हमने आज आपको सुबह सुबह ही ब्रेकिंग बताई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार केंद्रीय बैठक में, जो प्रधानमंत्री की केंद्रीय समिति की बैठक हो रही थी, उसमें एम्स दरभंगा के पास होने की गुंजाइश थी और हुआ वही। प्रधानमंत्री की कैबिनेट कमेटी ने, केंद्रीय कमेटी ने एम्स दरभंगा को पास कर दिया, एम्स दरभंगा को मंजूरी दे दी गई है। 1241 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 720 बेड की क्षमता होगी और इसके बन जाने से उत्तर बिहार, नेपाल और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिले हैं उनके लोगों को बहुत फायदा होगा, रोजगार के भी संसाधन वहां खुलेंगे। तो आखिरकार बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स की मंजूरी दे ही दी। मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में एम्स दरभंगा की स्वीकृति मिल गई है। आजादी के बाद उत्तर बिहार में खासकर मिथिलांचल वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले दरभंगा एम्स बनकर तैयार होगा। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा। उत्तर बिहार सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के लोगों को बेहतर, किफ़ायती, आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा प्रदान होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को हृदय तल की गहराइयों से बिहार को दूसरा एवं देश को 22वां एम्स प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि अभिनंदन। तो आपने सुना, ये थे अश्विनी चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने कहा कि बहुत ये खुशी की बात है कि देश का 5वां और बिहार का ये दूसरा एम्स जो है वो दरभंगा में बनने जा रहा है। चुनाव के पहले घोषणा हुई है और 3 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना है। 720 बेड के क्षमता वाला ये अस्पताल बनेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।